जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पार्टी की जान हमारे नेता आदरणीय बकार रसूल वानी साहब पीसीसी प्रेसिडेंट, उनके साथ कमल पन्ना साहब जिन्होंने नाराज जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, आपका हम तहे दिल से शुक्र गुजार करते हैं कि आपने रजौरी में रिप्रेजेंटेशन दी। लेकिन अभी भी कांग्रेस से बड़े सारे लोग हैं जिनको अलग अलग जगहों पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपने ये साबित किया आप और बल्ला साहब ने, क्योंकि इस बार जितनी लोगों को अकोमोडेट किया गया, जितनी बड़ी लिस्ट बनी, इतनी कभी भी स्टेट में बड़ी लिस्ट नहीं बनी। आपने हर आदमी को अकोमोडेट करने की कोशिश की और हमें उम्मीद है क्योंकि आपका दिल बड़ा है आपका और बल्ला साहब का। अभी बड़े सारे लोग हैं क्योंकि डेप्यूटेशन मिलेंगे, अभी बड़े सारे लोग हैं उनको भी आप काम दें जिस तरीके से यहाँ बात की गई, क्योंकि हमने किसी को सैलरी नहीं देनी है, पार्टी को इज्जत देंगे तो वो पार्टी वो वर्कर काम करेगा। एक बार फिर वक्त की कमी है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। बहुत ही अच्छा मिलता है हमारे जनसेक्टरी दे दूंगा बोलो मैं क्या मैं के भी है मेरे भाई शकील खान साहब है, बहुत सारे लीडर्स हैं और मेरी बहन एक खासकर मंजू शर्मा जी है, प्रदीप जी है, रुखसार है, जुबेदा जी है, जो सरपंच भी है और महिला कांग्रेस की शान भी है, मेरी बाकी महिलाएं और बाकी कांग्रेस के बिल्कुल पीसीसी के जो हमारे कारकुन है और जो काउंसलर है, काउंसलवाड़ी के काउंसलर्स है, सरपंच है, डीडीसी मेंबर्स है और जो यहाँ पे यूथ कांग्रेस के लोग है जो यहाँ पे आज एक रोजा मीटिंग मुनक्द हो गई है, मुझे लगता है जो हमारा सरबरा है वानी साहब जब से 12 जोड़े यात्रा मतलब हमने निकाली है, मुझे लगता है उम्मीद उनको ये मतलब जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जस्ट अगर आप देखेंगे जहाँ तक इनने तब से जो काम किया है बारह जोड़ों से लेकर जब से प्रेजेंट बनी है कहीं ये बैठे नहीं होंगे, दिन में 2 मीटिंग, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग होते रहेंगे। हमें सीखना चाहिए कि हर हर कोई एडजस्ट हो जाता है पार्टी में, पार्टी किसी को कभी इग्नोर नहीं करती, जो हमारा पुराना या नया लीडर हो, जो कोई भी हो, कोई पार्टी कभी हमें इग्नोर नहीं करती, क्योंकि पार्टी को सब पे नजर होती है। हो सकता है कभी हम अचानक से किसी का मतलब नाम नहीं रहता, लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेक्युलर पार्टी है और जो सबको लेकर चलती है, और मुझे पूरा यकीन है जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ पे आपको कभी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेगी, आपको जलाने की जरूरत नहीं, कांग्रेस पार्टी आपको लेकर चलेगी, चाहे वो महिला हो, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे मेरा बहन हो, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है जिसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध एक साथ रहते हैं। बीजेपी की बात करें तो जब से वो आ गए हैं तो उन्होंने कम्युनिज्म ही फैलाया है, उन्होंने हमारे पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट को यूनिटेरिटी बनाया है। अगर देखेंगे उन्होंने डिमोनिटाइजेशन किया है, उन्होंने डिलिमिटेशन किया है और उन्होंने नोटबंदी का जो हमें रब बना दिया, आपने देखा होगा महंगाई कितनी आसमान छू गई है, हमें बहुत सारे मुद्दे आते थे। आप अगर देखें मैं छोटे छोटे करके बोलती हूँ, मैं ज्यादा अगर बोलूंगी तो बोलने के लिए बहुत ज्यादा है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, आप देखा होगा कि औरतों के साथ उसे क्या व्यवहार किया है। तो हमें इस वक्त भी अगर कश्मीरी को ये समझे कि हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ना है ताकि लड़ाई उनके गवाह जो बजाय अगर वो हम बिल्कुल अटक के बिल्कुल डट के हम उनको मुकाबला करें। आपने देखा होगा हमारी वो छोटी आसपास थी गुटवा की, उसको कौन सा इंसाफ मिला, दिल की जबानों थी तो उसको कौन सा इंसाफ मिला, उनके कातलों को भी बाहर निकाल के उनको बीजेपी वालों ने मालाएं पहना दी और अंग्रेजा बना दिया। हम उस ऐसी पार्टी के हैं जो हमारे राहुल गांधी जी ने उनके नेतृत्व में जो उन्होंने केरला से